वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम DWT के बारे में जानेंगे कि DWT क्या है। DWT है डायनामिक वेब टेम्पलेट। इसका मीनिंग ये है कि आप पूरी इंटायर वेबसाइट में जो आप कॉमन आइटम्स हैं उसको ईजिली एक ही क्लिक से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि टेम्पलेट हम अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा लुक देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी वेबसाइट में मीन्स कुछ कॉमन आइटम्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। ये साइट है, मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप ये साइट का लोगो देखिए, ये मैंने एक लोगो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ये नेविगेशन मेन्यू है, ये आपको सभी पेजेस पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस पेज पर ही मिलेगा, कहीं पर भी आप किसी पेज पर किसी पोस्ट पर आप क्लिक करते हो तो ये आपको उसी मीन्स हेडर है, मैंने फिक्स किया हुआ है लोगो और नेविगेशन मेनू। यदि आप MEW में करते हो तो इसको बोलते हैं कि यदि हमने लोगो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिटेल है या फिर कोई नेविगेशन मेनू है उसको आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप DWT के मेथड से कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो के अंदर डायनामिक वेब टेम्पलेट को क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद उसका यूज़ करना सीखेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट्स, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नया वेब पेज यहाँ पर क्रिएट करना है, तो क्लिक करके यहाँ पर नया वेब पेज क्रिएट हो चुका है। अभी जो चीज़ फिक्स करना चाहते हैं पहले आप वहाँ पर इंसर्ट कीजिए, मीन्स जहाँ पर अभी मैं लोगो लगाना चाहता हूँ, सेम टू सेम जहाँ पर मैं आपको लोगो लगा के दिखाता हूँ ब्लॉगर की का, तो यहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और पिक्चर पर जा करके फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। ये देखिए जहाँ पर मैं ना यहाँ पर ब्लॉगर की का मैं यहाँ पर लोगो आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करना है, अल्टरनेट टेक्स्ट देना है, ओके करना है। इसको आपने कम ज़्यादा करना है, इसका साइज़ तो आप जहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा लोगो क्रिएट हो चुका है, अभी इसको फिक्स करना चाहते हैं, मीन्स हम इसको DWT में सेव करना चाहते हैं कि हमें ये सभी पेजेस के ऊपर चाहिए लोगो, तो वो कैसे होगा? तो आपने सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप क्या करोगे, फाइल में जाना है, फाइल में जा करके आपने सेव एज पर क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करते ही जहाँ पर आपने सेव एज टाइप जहाँ पर देख रहे हैं वेब पेज, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है डायनामिक वेब टेम्पलेट, उस पर क्लिक करना है। ठीक, क्योंकि हमारा फ्री जो फाइल है हमारा डायनामिक वेब टेम्पलेट में सेव होगा। उसके बाद फाइल नेम दे देना है, इसको टेम्पलेट के रूप में सेव करते हैं तो मैंने यहाँ पर टेम्प के नाम से दे दिया, Temp1। ठीक, तो इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। ठीक, तो सेव पर क्लिक करने के बाद जो हमारा, इसके बाद फिर दोबारा ओके करना है क्योंकि हमने एक इमेज को इंसर्ट किया है। तो उसके बाद ओके करके आपका जो फाइल है वो DWT के नाम से, मीन्स Temp1.DWT एक्सटेंशन है उसकी, तो उसके सेव हो चुका है। ठीक, इस तरीके से आप डायनामिक वेब टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट करना आपको बता दिया है, अब इसका यूज़ करना सीखेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अभी ये एरिया हमने फिक्स कर दिया है, अभी हमने जैसे सेव किया लेकिन ये एरिया हमने फिक्स कर दिया है। अभी हमने कुछ एरिया ऐसा रखना है कि हम उसमें चेंज कर सकें। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फिक्स ही करना है, पूरा पेज वेब पेज को फिक्स करना है, तो हम कुछ एरिया ऐसा भी रखना चाहते हैं कि उसमें हम कुछ कंटेंट भी ऐड कर सकें। तो उस एरिया को हमने एडिटेबल कंटेंट एरिया बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो आपने वहाँ पर कर्सर को ले जाना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, मीन्स जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जहाँ पर ऑप्शन है मैनेज एडिटेबल एरिया रीजन, सॉरी, ठीक, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें रीजन नेम देना है। रीजन नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंटेंट दे दिया, मींस कंटेंट लिखना है हमने, ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर कंटेंट दे दिया। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। ठीक, ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने क्लोज पर क्लिक कर लेना है। आप चाहे जितने मर्जी यहाँ पर रीजन नेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, क्लोज करना है। ये हमारा कंटेंट एरिया बन चुका है, इसमें हम एडिट कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, इस फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये फिक्स होगा। अभी हमने सेव कर दिया है, इसके बाद फिर हम जहाँ पर सेव करते हैं, ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। ठीक, अभी इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब उस फाइल को जो अभी हमने क्रिएट किया है इसको यूज़ करना देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना है, न्यू पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ऑप्शन देखा होगा क्रिएट फ्रॉम डायनामिक वेब टेम्पलेट, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है अटैच डायनामिक वेब टेम्पलेट का, तो इसमें अटैच करेंगे अपने वेब पेज के साथ। तो मैंने सेव किया था Temp1 के नाम से, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ओपन पर क्लिक किया।
ये देखिए, इसके बाद क्लोज करना है। ये हमारा जो डी टेबल एरिया था, इसमें हमारा कर्जर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कर्जर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फिक्स हो गया है। हमारा जो लोगो है वो फिक्स पोजीशन हो चुकी है, बाकी सारा एरिया फिक्स है, लेकिन सिर्फ इस एरिया के अंदर हम मींस इसको कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस रेस्ट ऑफ एरिया के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डायनेमिक टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमारा जो फाइल है वो .html है, मींस अभी सेव नहीं किया इस फाइल को, लेकिन इसका यूज़ कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है DWT एडिटेबल एरिया है, यदि इस पर क्लिक नहीं होता तो यहाँ पर कंटेंट है, इसको मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कंटेंट लिखना है, सपोज करें कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पर सपोज करें आप इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा एडिटेबल एरिया है। तो इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया तो ये वाली फाइल हमारी सेव नहीं है, तो ये वेब पेज है हमारा, तो इसको वेब पेज के रूप में मैंने सेव कर दिया, ब्लैक हेड दे दिया, सॉरी सपोज करें। ठीक, उसके बाद अपने सेव पर क्लिक करना है, ये हमारा वेब पेज के रूप में सेव हुआ है और उसको हमने DWT के मेथड से यहाँ पर यूज़ किया है। इसको कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद F12 देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिक्स एरिया है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं MEW में, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने DWT यहाँ पर उसको क्रिएट किया है। ठीक, इस तरीके से आप कितने मर्जी यहाँ पर अपने वेब पेज के अंदर DWT क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं और उसको कितने भी वेब पेज के अंदर उसका यूज किया जा सकता है। ठीक स्टूडेंट्स, पता चल गया होगा, आप मैंने आपको एक करके बताया है, आप जितने मर्जी यहाँ पर कर सकते हैं। मींस आपने करना क्या है, बस फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, क्रिएट फ्रॉम डायनेमिक वेब टेम्पलेट करना है, उसके बाद टेम्पन पर क्लिक करना है, ओपन करना है, तो नया वेब पेज क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंटेंट करना है। ठीक, एक फाइल हमारी ये है blackhat.html के नाम से, एक नया फाइल और हो चुका है वेब पेज। ठीक, तो हमारा लोगो सेम है, तो सभी पेजेस में हमारा लोगो सेम आ रहा है। इस तरीके से आप वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं तो आप उसका फिक्स कर सकते हैं, लोगो या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल हो सकता है, या फिर फूटर में कोई आपका कॉपीराइट साइन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हेडर है हमारा। अभी फूटर में आपको ये भी सारा पोर्शन है वो आपका फिक्स मिलेगा, मीन सभी पेजेस में आपको दिखेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, किसी भी पेज पर क्लिक करता हूँ, ये हेडर एरिया मीन्स लोगो और नेविगेशन मेनू है, ये भी फिक्स रहता है, और नीचे जो फूटर का एरिया है वो भी फिक्स रहता है। ठीक, अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, आपको मैं बताता हूँ, फूटर एरिया भी वैसे का वैसा ही यहाँ पर सेम रहेगा। ये हमारा पेज अभी ओपन हो चुका है, ये देखिए ओ पेज ऐसे का पेज ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको नीचे लेकर के जाता हूँ, ये देखिए फूटर एरिया भी हमारा फिक्स है। इस तरीके से आप DWT क्रिएट कर सकते हैं अपने अलग अलग पेजेस के अंदर, मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, पता चल गया होगा आपको, तो आपने करके देखना है प्रैक्टिकल इसका। अभी इसको एडिट करना चाहते हैं, मींस आप इसको एडिट करना चाहते हैं, मींस आप अपने लोगों के साथ कोई नेविगेशन मेन्यू ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करोगे? तो उसको ऐड करने के लिए आपको मींस जो DWT फाइल है उसको आपको ओपन करना होगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको चलो सेव नहीं करते, इसको मैंने सेव किया हुआ है। अभी आपने फाइल में जाना है, ओपन पर क्लिक करना है, हमारी कौन सी फाइल थी, temp1 के नाम से थी, तो मैं temp1 यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक, ओपन किया, ये देखिए अभी हमारा वो फाइल ओपन हो चुका है .dwt। अभी इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू लगाना चाहे तो नेविगेशन मेन्यू भी लगा सकते हैं, या कुछ और एरिया आप एडिटेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है, जैसे आप इसको सेव करोगे तो बाकी जो पेजेस आपने किया है तो उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मीन्स अभी मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, मीन्स मैंने ब्लॉगर की ही लिख दिया। ठीक, मैंने ब्लॉगर की लिखी है, उसके बाद मैंने सेव किया, तो अभी यहाँ पर मैसेज आ चुका है, देर इज़ वन फाइल अटैच टू temp1। अभी एक फाइल में हमने अटैच करके बताया था ना आपको पहले, तो हमारा यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि एक फाइल में अटैच किया हुआ है आपका temp1.dwt, वुड यू लाइक टू अपडेट, उसको अपडेट करना चाहते हैं तो चेस करना है बस आपने। अभी हमारा अपडेट हो चुका है, अभी मैं उस फाइल को ओपन करके बताता हूँ आपको, कौन सी फाइल थी, ब्लैक हैट के नाम से थी। देखिए ब्लैक हैट ये अपना वेब पेज है, इसको आप ओपन कीजिए, तो जहाँ पे ब्लॉगर की भी साथ में आया है, ये देखिए इसको अब इस फाइल में हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इस फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये फाइल हमारा DWT है एक्सटेंशन, और ये फाइल हमारा वेब पेज है .html। ठीक स्टूडेंट्स, पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम डायनेमिक वेब टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं।
ठीक। यदि आपने रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करोगे, अभी हम आपको मैं लास्ट में बताता हूँ, ये बस आपका जो वीडियो है बस सम अप करने वाला हूँ। तो लास्ट में आपने क्या करना है कि DWT यदि आप रिमूव करना चाहते हैं अपने HTML के अंदर तो वो कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक वेब टेम्पलेट, उसके बाद अपने डिटैच फ्रॉम डायनेमिक वेब टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने क्लोज पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका जो मीन्स आपने DWT क्रिएट किया था, मीन्स इसके अंदर इंसर्ट किया था, वो आपका डिलीट हो गया है, मीन्स रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम DWT का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो आपका अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका होगा SEO के ऊपर, ठीक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।